रामगढ़ ताल पुलिस ने महिलाओं को आभूषण सफाई के नाम पर टप्पेबाजी करने वाले दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान कुंदन कुमार शाह पुत्र नारायण शाह निवासी खगहा थाना मीरगंज जिला पूर्णिया बिहार तथा मिथिलेश कुमार शाह पुत्र सियाराम शाह निवासी जमुनिया थाना पर्वता जिला भागलपुर बिहार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक पीली धातु की सोने जैसी लॉकेट, एक अंगूठी, दो जोड़ा झाला, चार पैकेट भैया क्लिनिक पाउडर, दो सफ़ेद डिब्बे में सिल्वर साइन लिक्विड, दो पीताम्बरी डिशवाश का लिक्विड पाउच, एक विम कंपनी का डिशवाश पैकेट, एक पीला पाउडर, तीन ब्रश, एक पैकेट सैनिटरी नैपकिन, एक प्लास्टिक पैकेट में सफ़ेद पाउडर, एक काले पैकेट में पाउडर व एक लाल व स्लेटी रंग का पीठ वाला बैग, एक मोटरसाइकिल तथा 1,080 रुपये बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया। ये थाना रामगढ़ ताल में एक दो नकबजनों को, दो चोरों को यहाँ पे पकड़ा गया था। टप्पेबाजी की घटनाएं भी ये करते थे। एक का नाम है कुंदन कुमार शाह, सन ऑफ नारायण शाह, ये गगा का रहने वाला है, और एक मिथिलेश कुमार शाह है, पुत्र स्वर्गीय सियाराम शाह। इन लोगों का काम था कि जैसे किसी के घर में जाना, सोना चांदी साफ करने के नाम पे उसी सोना चांदी को लूट के लेके जाना, और कई तरीके की चीजें, रस्ते पे भी टप्पेबाजी करना, मोटर बाइक की चोरी करना। तो इसमें एक थाना रामगढ़ ताल पे इसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया 4/19 और एक थाना कैंट का, थाना कुरावर का 733/19 एक मुकदमा इसमें खोला गया। अभी इसकी जांच चल रही है, हो सकता है कि इनका कोई गिरोह भी हो।